अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका। जी उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि आज 12 रबीउल अव्वल है, तो मेरी तरफ़ से आप सबको 12 रबीउल अव्वल मुबारक, आप सबको ईद मुबारक। और गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार व्लॉग। तो देखते हैं, मेरा व्लॉग साथ रहिएगा। तो आज मैं जो व्लॉग लेकर आई हूँ, वो तकरीबन वो चीज़ें हर घर में होती हैं। जो व्लॉग है मेरा, उस जिसके मुताबिक मैंने बनाया है, जिस चीज़ का व्लॉग जिस पे बनाया है, वो हर घर में होती हैं। और जिन जिन के घर में वो चीज़ हुई, वो मुझे कमेंट में बताइएगा। तो ठीक है जी, चलते हैं। अच्छा जी, तो ये है तंदूर, ये हमारे मोहल्ले में बनते हैं। तो ये देखिए कितने प्यारे हैं, और इनके तंदूर बड़े मशहूर भी हैं। इन्होंने इतने ज़्यादा तंदूर बनाए हैं, ये इनके इतने जल्दी सेल हो जाए कि पता भी नहीं चलेगा। तो इनका कारोबार है, शुरू से इनका ये कारोबार है। ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तंदूर बनाते हैं, और फिर इधर इनको ये पता नहीं कैसे करके पकाते हैं, पका के पक्का जब ये पक्के हो जाते हैं, फिर ये सेल करते हैं। लोग इनसे आकर ले जाते हैं, फिर घर में वो रखते हैं, घर में इसको बनाते हैं, तंदूर को लगा के फिर इसमें लकड़ियां वगैरह डाल के फिर रोटियां लगाते हैं। तो माशाल्लाह से कभी भी किसी ने कोई शिकायत नहीं की कि आपका तंदूर अच्छा नहीं था। बड़े मशहूर हैं इनके, इसलिए इतने सेल भी होते हैं इनके तंदूर। ये आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा ये रखे हुए हैं, इतना बाल नहीं है, सारा कुछ इसमें जाएगा। खर्चा भी बहुत करते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं। तो अगर आप में से भी किसी ने तंदूर वगैरह लेना होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, तो आपको भी तंदूर दे देंगे इनसे। वैसे भी बेचारे रियायत दे देते हैं, मजदूरी करते हैं औरतों से, उनकी औरतें भी बड़े काम करती हैं, खुद भी बड़े करते हैं। तो जो जायज़ मुनासिब होते हैं ना, वही पैसे लेते हैं। ये नहीं कि हम इतने मांग लें, इतने ले रहे हैं हम इनसे। तो वैसे बेचारे मेहनत भी बड़ी कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कितने ज़्यादा हैं। अभी इनके कुछ आने वाले हैं, ये इधर इन्होंने हमारे करीब ही ना, ये इनका ये बनाया है गाड़ी जो भी है, इधर इनको पकाना है, और ये इधर ही रखा हुआ है। तो इधर पकाएंगे, इधर से निकालेंगे, फिर ले जाएंगे ठंडे करके, तो फिर अपने घर में जाकर इनको रख देंगे, तो फिर उधर से सेल करते रहेंगे। तो ये बोल रहे थे कि जब मैं वीडियो बना रही थी ना इनकी, तो ये कह रहे थे कि हमारी वीडियो बना के ना नेट पे डाल दें, कि अगर किसी ने कोई तंदूर लेना हुआ ना तो हमसे रब्ता कर लें, हमारा भी तंदूर सेल हो जाएगा। और यही है कि कुछ पैसे बन जाएंगे। बेचारे किस लिए सेल करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप में से किसी ने कोई तंदूर लेना हुआ तो बताइएगा। तो व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे, लेकिन कमेंट में बता दीजिएगा, नीचे कमेंट लिख देना कि हमने तंदूर लेना है या फिर हमें तंदूर की ज़रूरत है, तो फिर ले देंगे, इनसे रब्ता आपका करवा देंगे। तो इनसे मिल लेना, आकर तंदूर ले लेना। ये इधर ज़िला हाफिज़ाबाद में है तंदूर, तो हमने भी एक तंदूर लिया था इनसे, ये इधर लगाया है हमने। अब हमें इसमें हमने लकड़ियाँ डाली हुई हैं, जब ये फूल गर्म हो जाएगा, तप जाएगा, फिर हम इसमें रोटियाँ लगाएंगे। अभी भी ये तप रहा है, अब हम इसमें रोटियाँ लगा रहे हैं। ये देखो जी कितनी प्यारी है, यम्मी यम्मी रोटी, कितनी मज़े की रोटी बनी है।
एक बार ये तप जाए ना तो तकरीबन 2-3 घर हम इसमें रोटियां लगा लेते हैं। बहुत ही कमाल का तंदूर है इनका। अगर आपको हमारी रोटियां पसंद है तो वो भी बता देना। वैसे अंधेरा हो गया था वीडियो बनाते बनाते, लेकिन कोई बात नहीं, आपको पता चल ही रहा होगा। ये रोटी बन के आ गई है। ये इतनी रोटियां हमने बना ली हैं, अभी और भी ये सारा आटा जो है ना इसकी रोटियां बनाएंगे। ठीक है जी, इंतज़ार कीजिएगा मेरी अगली वीडियो का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।